आज मैं बंगाल की बहुत ही बेहतरीन स्वीट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसका नाम है मिष्टी दोई। इसे काफ़ी लोग पसंद करते हैं, खाने में बहुत टेस्टी रिच होती है। और इस मिष्टी दोई को मैं ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊंगी। बहुत जगहों पे इसे लाल दोई भी कहते हैं, क्योंकि इसे गुड़ से तैयार की जाती है, इसलिए इसे लाल दोई भी कहते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और पूरी वीडियो देखें, बीच से स्किप ना करें, तब जाके आपको समझ में आएगा ये दही जमाई कैसे जाती है। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम, लजीज दस्तखान मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। मिष्टी दही बनाने के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध, 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, ये अमूल का मिल्क पाउडर है, 200 ग्राम चीनी, 85 ग्राम जागरी, इसे गुड़ भी कहते हैं, यहाँ पे मैं ली हूँ। 1.5 लीटर में दूध चढ़ाती गर्म होने के लिए, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। जिसमें मैं दही जमाऊँगी उसे फॉल पेपर से अच्छे से कवर कर दूँगी, आप भी ऐसे ही करें। इस ट्रिक को अप्लाई करें, दूध को गर्मी मिलेगी, दही बहुत अच्छी जमेगी। एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आप नॉर्मल दही पे जमाएं तो ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई करें। अब इस दूध में से मैं 1/2 गिलास दूध निकाल लूँगी। गिलास वाले दूध को हमें ठंडा कर लेना है। दूध गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ पर मिला दूँगी चीनी। चीनी डाल के 2-4 हाथ चला लूँगी ताकि नीचे से ये चीनी लगे ना, और इसे हमें तब तक चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे जब तक दूध 1.5 लीटर से 1 लीटर ना हो जाए। दूध 1 लीटर यहाँ पर हो चुका है, अब हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करके हमें मिल्क पाउडर यहाँ पर अच्छी तरीके से मिला लेना है, और इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से चला लेना है मिल्क पाउडर डालने के बाद। 1/2 गिलास में दूध जो निकाली थी उसमें डालूँगी गुड़, और अच्छे से चला लेना है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए दूध में, और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। गुड़ मेल्ट होने में 2-3 मिनट लग जाता है, तो आप देख लीजिएगा। हमें चाहिए 2 टेबल स्पून बिना पानी वाला दही, किसी कपड़े से छान ले, और इसे हमें दूध को हमें कम से कम 2 मिनट अच्छे से फेंट लेना है। गर्म दूध में हमें गुड़ वाला दूध बिल्कुल ऐड नहीं करना है, वरना दूध फट जाएगा। और दूध को हमें अच्छे से फेंट लेना है, इस तरह से झाग दिखना शुरू हो जाए समझिए दही बहुत अच्छी जमने वाली है। तो झाग आना चाहिए दूध में, इसलिए 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से फेंट लें। अच्छी दही अगर आप चाहते हैं, दही अच्छी जमे। मैं इसे 3 मिनट बहुत स्पीड में फेंटी हूँ, देख लीजिए कितना अच्छा झाग निकल के हमारा आया है। ऐसे झाग चाहिए हमें, दूध बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। उंगली डाल के देख लीजिए अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना दूध गर्म चाहिए हमें। और यहाँ पर हमें मिला देना है गुड़ वाला दूध और साथ में दही, और अच्छे से हमें फेंट लेना है। बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं इसे 4 से 5 सेकंड अच्छे से फेंट ली हूँ। जिसमें आप दही जमाना चाह रहे हैं उसी बर्तन में हमें ये दूध डाल देना है। मैं यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में जमा रही हूँ। मिट्टी के बर्तन ही है तब किसी बर्तन में दही जमा सकते, कोई बात नहीं है। और ये कोलकाता की ट्रेडिशनल रेसिपी मैं शेयर की हूँ। पहले ज़माने में गुड़ से दही जमाई जाती थी फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए, और मिट्टी का हांडी में जमाई जाती थी ताकि मिट्टी का सोनापन दही में आ जाए। और मैं बता दूं, ये दही जमाना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर आप चाह लीजिएगा तो जमा सकते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा दही जमाने के लिए। भापा दही आप बहुत ईजी तरीके से 2 से 3 घंटे में जमा सकते हैं गैस में स्टीम से, बट ये दही जमाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले मैं बता दे रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई किया, आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। पानी हमें गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म चाहिए, खोलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए। और उसमें हमें हांडी रख देना है दही वाली, और इसे अच्छे से ढक कर इसके ऊपर कवर कर देना है चादर से, और इसे किसी गर्म जगह पर 25 से 26 घंटे के लिए रख के बिल्कुल भूल जाना है, टच नहीं करना है। इसके ऊपर एक चादर लपेट दें और 25-26 घंटे के लिए इसे भूल जाएं, बिल्कुल इसे टच नहीं करना है। अगर ठंडी के मौसम है तो 40 से 48 घंटा लग जाएगा। 26 घंटे हो चुके हैं, दही हमारी जम चुकी है, और ये देखिए हिल रही है, क्योंकि इसे मैं बहुत देर तक फ्रिज में नहीं रखी हूँ, सिर्फ 2 घंटा रखी हूँ। कम से कम 5 से 6 घंटे आप इसे फ्रिज में ज़रूर रखिए। और इसे मैं कट करके दिखा दे रही हूँ कितनी थिक दही जमी है, जबकि मैं इसे सिर्फ 2 घंटा फ्रिज में रखी हूँ। अगर इसे आप 4 से 5 घंटा रखिएगा तो और कितनी थिक जमेगी आप सोच लीजिए।
और मेरे चैनल पे जितनी भी रेसिपी है सब ऑनेस्टी के साथ मैं बनाती हूँ, जो बनाती हूँ वही दिखलाती हूँ। आप चेक कर लीजिएगा मेरी सारी रेसिपी, कितनी थिक दही जमी है, इसके ऊपर घी भी नज़र आ रहा है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये दही की रेसिपी ट्रेडिशनल रेसिपी है। पहले ज़माने में गुड़ से दही जमाई जाती थी, चीनी का कैरमलाइज करके नहीं जमाई जाती थी। और गुड़ की जो दही होती है उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है और दही में सोनापन भी बहुत अच्छा आता है। चीनी का कैरमलाइज करके ये न्यू टेक्निक है जिसे हम लोग अप्लाई करते हैं। आप मेरे तरीके से ट्रेडिशनल रेसिपी दही का ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी दही कैसी जमी। और इस मिष्टी दही को आप बहुत ही कम वक्त में बहुत ही थीक बहुत ही क्रीमी तरीके से जमा सकते हैं, बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी जिसको भाफी दही कहते हैं। वो दही स्टीम में बनती है, 2.5 से 3 घंटा उसमें भी लग जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।